हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। सो टुडे आई हैव क्रिएटेड दिस सिंपल एंड ग्लैम इंडियन फेस्टिव मेकअप लुक। एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो कि मैंने कैसे अचीव किया, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड येस, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को प्रेप किया है, और प्लीज़ अभी विंटर्स हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन प्रेपिंग करें। योर स्किन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मेकअप से पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं मेकअप से। फाउंडेशन के लिए हम टेकिंग लैक्मे 95 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। सो आपको हमेशा अपने फाउंडेशन को ऐसे डैप डैप करके ब्लेंड करना होता है, ना कि ड्रैग करना होता है। अदरवाइज़ वो बहुत मतलब केकी हो जाएगा सारा, क्रम्बलिंग हो जाएगी फाउंडेशन की, और कवरेज भी अच्छी नहीं आएगी। मतलब दैट इज़ नॉट द टेक्निक। सो कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर। मैं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने फाउंडेशन कम अप्लाई किया है। सो जहाँ पे मेरे को थोड़ी रेडनेस है मैं वहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। फिर से हम अपना स्पंज लेंगे और सबसे पहले हम ब्लेंड करेंगे यहाँ वाला कंसीलर। ओके, सो हम करेंगे कंटोरिंग, और उसके लिए मैं ले रही हूँ बेला वॉस्टिक की कंटोर स्टिक, और ये शेड है 13 ब्रॉन्जी बज। और जो स्टिक है वो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, मतलब बहुत ही अच्छे से इमोलियंट है बहुत ज़्यादा, और अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। बेस्ड प्रोडक्ट्स अपने ब्लेंड कर लिए अपने फेस पर, और अब हम यूज़ करेंगे अपना पाउडर, लूज़ पाउडर। सो लूज़ पाउडर यूज़ करने से पहले आप स्पेशली फॉर अंडर आइज, सो आप मेक श्योर कर लें कि सबसे पहले क्या करना है आपको। जब भी आप लूज़ पाउडर अप्लाई कर रहे हैं, पहले हम ब्रश ले लेते हैं। हम इस तरह का ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये जो पाउडर है मुझे बहुत पसंद है, मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर रेडियंट फिनिश। ये आप अंडर आइज़ अपने पाउडर या फिर कुछ भी कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पहले अपना जो भी ब्रश है और जो भी आप जिससे आप ब्लेंड कर रहे हैं अपने क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स को, सबसे पहले ब्लेंड करना है दोबारा अंडर आइज़ के लिए। स्पेशली मैं आपको ये बोल रही हूँ, अंडर आइज़ वाला जो है वो आपको ब्लेंड करना है पहले, और देन आपको तुरंत आपको ये अप्लाई कर लेना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके अंडर आइज़ बहुत जल्दी ना लाइक विद इन सेकेंड्स 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपका जो कंसीलर है वो क्रीज करने लग जाता है, चाहे कितना भी अच्छा कंसीलर हो। तो इसके लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सो हम इसको अप्लाई कर लेंगे अंडर आइज़। I'm using this beautiful palette by Mars. Mars जो ब्रांड है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने काफ़ी देखा है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, सो मैंने भी ये परचेज़ किया। मैंने इसको भी ट्राई नहीं किया, सिर्फ स्वॉच करके देखा है, और ये बहुत अमेजिंग है। और मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ कफ्सल लैशेज का E009 ब्रश। ओ माई गॉड, दिस इज हेल पिगमेंटेड। सो यहाँ पर मैंने क्रीज के ऊपर ये वाला पीच शेड अप्लाई किया था, देन इसके बाद मैंने रेड शेड अप्लाई किया है आउटर वी में, और इसको मैंने क्रीज के ऊपर ड्रैग भी किया है। उसके बाद मैं एक क्लीन ब्रश ले रही हूँ ब्लैक कलर में से, आउटर वी में अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक क्लीन ब्रश लिया है, उस सब चीज़ को ब्लेंड कर लिया है ताकि हार्श एजेस ना दिखें। एंड देन आई हैव अप्लाइड दिस ब्यूटिफुल शैम्पेन शेड ऑन माई लिड्स, और मैंने इसको टॉप किया था बाद में एक गोल्डन शेड के साथ, और वो सिर्फ मिडल में मैंने अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। उसके बाद मैंने अगेन एक क्लीन ब्रश लेकर इसको सारे जो आई शेडोज़ हैं उन सबको ब्लेंड किया है ताकि ये सीमलेस लगे। नाउ फॉर द लोअर लैश लाइन मैंने ब्लैक कलर लिया है, और सेम ही रेड शेड से उसको स्मोक आउट कर दिया है।
और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये गोल्डन शेड लेके मैंने सिर्फ सेंटर में अप्लाई किया था। इसके बाद मैंने फेसेस का लाइनर लिया है और सिर्फ सिंपल मैंने लाइनर ड्रॉ किया है। आप चाहे तो विंग अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड की न्यू डाई पेंसिल लिया है ताकि मेरी आईज़ थोड़ी वाइड लगे, और मैंने मस्कारा लगाया, ये भी फेसेस का ही मस्कारा है, मैंने लैशेस अप्लाई नहीं किए। फॉर ब्रॉन्जर एंड ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का अल्ट्रा स्कल्प्ट एंड कंटूर किट। दिस इज इन द शेड अल्ट्रा फेयर C01। तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, और ये है इन द शेड मोल्टन गोल्ड। ये बहुत ही मतलब फेस्टिवल एप्ट हाइलाइटर है, और बट मुझे ये बहुत ज़्यादा तो नहीं पसंद। सबको ये बहुत पसंद है बट मुझे ये उतना नहीं पसंद, क्योंकि मुझे थोड़े ना शैम्पेन सटल हाइलाइटर्स ज़्यादा पसंद हैं। बट कोई नहीं, अभी हम फेस्टिव कर रहे हैं तो फेस्टिवल्स के लिए तो ये बेस्ट है। सो अप्लाई करेंगे अपने हाई पॉइंट्स पर, और हम सेम हाइलाइटर से इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लेंगे। अब ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप अपनी जब भी हाईलाइट करें अपनी ब्रो बोन को तो आप यहाँ तक ना लेकर आए, वो दैट इज नॉट। नाउ अप्लाइड नायका जेन एंड हियर इज द फाइनल लुक।